15 मई से फरार चाकूबाजी करने वाले 7000 के इनामी आरोपी गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक ने घोषित किया था 7000 का इनाम। गोहलपुर में 15 मार्च की दरमियानी रात को एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें गंभीर रूप से व्यक्ति घायल हो गया था और उस मामले में आरोपी फरार थे और अज्ञात थे। उसी के लिए एक टीम गठित की गई थी अज्ञात आरोपियों का पतासाजी करने और गिरफ्तारी के लिए। उसी के तहत कल हमें सफलता मिली है और दोनों अज्ञात आरोपी संजय और हिमाचल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के ऊपर 7000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया था और इन दोनों आरोपियों ने घटना करना कबूल किया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। बरगी के नायब तहसीलदार ने लगाया 100 साल का कर्फ्यू। दरअसल आदेश में हुई त्रुटि से कर्फ्यू समाप्ति की तिथि 19 अप्रैल 2021 की जगह 19 अप्रैल 2121 हो गई, जिसका सोशल मीडिया में जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। गरीब नवाज समिति ने भांतलया नगर निगम जोन ऑफिस के पास मृत हुए व्यक्ति का विधि विधान से किया अंतिम संस्कार। जो कि असहाय गरीब हैं, ये अपने भाई के साथ जो भी रोजगार का कार्य करते हैं, अब तो वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। नगर निगम जोन के सामने उनका भाई किसी बीमारी के तहत ख़त्म हो गया अभी आज 15-20 मिनट पहले। इनकी स्थिति वैसी नहीं है कि वो अंतिम संस्कार वगैरह कर सकें, तो बाड़ी के पास ही वो काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, जिसे थाना हनुमान ताल की पुलिस ने अपने को सूचना दी है कि भाई इनका परिवार है मगर ये असहाय है और इनका अंतिम संस्कार जो है इनके भाई के हाथों से ही राणी दाल मुक्ति धाम में गरीब नवाज कमेटी द्वारा कराया जाएगा। उर्फ बिज्जी ठाकुर की शव पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके मर की कार्रवाई करने के लिए आए, तो ये पता चला हम लोगों को कि जो विजय बिज्जी की मृत्यु हुई है, उसके घर वालों ने बताया कि उसको काफ़ी समय से बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है और उसके दाहिने पैर में कोई पुरानी इंजरी भी थी, इसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया है और संभवतः इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। इनकी उम्र 40 वर्ष है। नहीं, ये तो जनरली भीख मांगने का काम करते थे, जैसा कि इनके परिवार वालों ने बताया था। खेरमाई मंदिर के आसपास और इसी क्षेत्र में भांतलैया क्षेत्र में भीख मांगकर ही अपना भरण पोषण करते थे। ये इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, लेकिन जैसा ये लोग बता रहे हैं इनके परिवार वाले कि हम लोग यहीं पे रहते थे, भीख मांगते थे और जहाँ भी स्थान मिलता था वहाँ पे हम लोग सो जाते थे। मालोताल पुलिस क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही में गांजा तस्कर को घेराबंदी कर पकड़ा, 9 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त। कल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी, एक व्यक्ति दीनदयाल बस स्टैंड पे खड़ा है जो कि संभवतः अवैध गांजा ले रखा है। इस सूचना पर हम लोगों के द्वारा एक टीम गठित की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार वहाँ पे दीनदयाल बस स्टैंड में पहुंचे, जो हुलिया बताया गया था उस हुलिया का व्यक्ति वहाँ पे मिला। उससे नाम पता पूछा गया तो उसने गौरी शंकर अपना नाम बताया, जो कि नवरंग नगर उड़ीसा का रहने वाला था और नवरंग नगर उड़ीसा से ही आ रहा था और झांसी जा रहा था। जब उसके बैग में देखा गया तो उसमें काफ़ी मात्रा में गांजा था और उस पर कार्रवाई की गई। 9 किलो 100 ग्राम गांजा था। आरोपी को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, वहाँ से उसको जेल दाखिल किया गया। बेलबाग थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर व्यापारी संघ ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बेलबाग थाने के कुछ सिपाही हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्य हैं सलील चौकसे जी, जिनका प्रदीप क्वालिटी बैग हाउस के नाम से शॉप है गलगला बुरंदी तिराहे। बेलबाग थाने के टीआई साहब के आदेश के अनुसार उनको ये पता चला किसी मुखबर की होगी कि ये हमारे व्यापारी बंधु कुछ अनलीगल काम करते हैं, तो उसको लेके ये बेलबाग थाने का स्टाफ आया, उनकी शॉप में आया चौकसे जी की, आके पूरी दुकान तितर बितर कर दी और धमकी दी कि तुम लोग जुआ सट्टा खिलाते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ महानगर शासन प्रशासन से अपील करता है तत्काल प्रभाव से बेलबाग टीआई को हटाया जाए। आए दिन सारे व्यापारियों के साथ अभद्रता करते हैं वो, पिछले गणेशोत्सव के टाइम पे भी उन्होंने अभद्रता की व्यापारी प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष के साथ में हमारे, अभी होली का पिछले हफ्ते होली का उत्सव था उस टाइम भी इनके साथ अभद्रता की। उनको पता नहीं व्यापारियों से क्या तकलीफ, अपराधियों को छोड़ते हैं, अपराधियों के पास जाते नहीं हैं और साधारण आम व्यापारियों को आके रोज़ परेशान करते हैं। तो इसी को लेकर आज राम भैया के नेतृत्व में सचिन जी के साथ में सारे व्यापारियों के साथ में हम लोग SP साहब के पास आए हैं, उनको ज्ञापन दिया है कि तत्काल प्रभाव से जितने भी दोषी पुलिसकर्मी उन पर जाँच करके उन पर कार्रवाई की जाए
और आगे से व्यापारी वर्गों को परेशान ना किया जाए। एसपी साहब ने अभी किस बात कुछ आपको एसपी साहब ने प्रतिवेदन लिया है हमसे, ज्ञापन लिया हुआ है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच करा के जो भी जल्दी हो सकता है वो आप निर्णय लेके। मामूली विवाद पर आधा सैकड़ा लोग पहुंचे परिवार से मारपीट करने, कोतवाली थाने का मामला। कोतवाली में आई हूँ, विवाद दो तीन दिन पहले का था। दोज वाले दिन मेरा भतीजा जो था जा रहा था बाइक से, थोड़ा सा उसको हुआ, उसका जो भी कहा सुनी हो तो वो घर आया, लेकिन वो जो लड़के लोग थे वो लोग उसको उकसाया कि आ मैं तुझे देख लेता हूँ ये वो, तो आज का नया वो भी वहाँ गया, तो वहाँ उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मिलने बुलाया था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा, अब सर शिवम सोनी, प्रियान सोनी और एक्स वाई जेड बहुत से लोग थे, है ना, उनका फिर वहाँ झगड़ा हुआ। सर हम लोग अभी कोतवाली थाने में आए हैं, एक एफ आई आर दर्ज करने आए हैं, बट अभी सर पे आवेदन बस लिया है हमारे यहाँ। अभी घर पे करीब मलखम फूटा ताल के वहाँ मलखम एक है एरिया, उधर के 40 से 50 लड़के लोग आके हमारे घर के सामने गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी। ये कोतवाली बाजार पे कोदूलाल बर्तन की दुकान से हमारा घर मकान एक ही साथ है, हम लोग शटर गिरा के घर के अंदर घुसे ही थे कि उतने में कम से कम 40 से 50 लड़के आए होंगे, तो खूब गाली गलौज करके हत्या कर देंगे, जान से मार देंगे, इस टाइप की धमकी दे के गए हुए हैं कि बाहर निकल बाहर निकल, ऐसी धमकी दे के गए। नाम वाम कुछ लड़का उसमें एक प्रियंक करके लड़का है, एक श्रेयांश सोनी, श्रेयांश चौरसिया, एक शिवम सोनी, एक कोई विश्वकर्मा करके, वो विश्वकर्मा कर रहे थे वो है, और बाकी 8-10 लड़कों को और हम पहचान जाएंगे देखने के बाद पहचान जाएंगे। वजह क्या है लड़ाई? इसकी वजह ये है, अभी 4-5 दिन पहले हमारे भतीजे से इन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था मालवी चौक पर, तो उस पर इन लोगों की कोई टकराव हो गया था, उस पर लड़ाई हो गई थी, तो उस लड़ाई की वजह से मतलब कोतवाली थाने पे हम लोगों के प्रति मतलब FIR दर्ज है भतीजे के प्रति, तो उसका ये बदला चुकाने के लिए आज इन लोग आए थे। एक्चुअली प्रकरण ये मारपीट से संबंधित मामला है, सक्षम ताम्रकार एवं उसके साथियों के द्वारा 31 मार्च की रात में शिवम सोनी और उसके साथी के साथ में मारपीट की घटना घटित की गई थी, जिसमें शिवम सोनी और उसके साथी को चोटें भी लगी थी। FIR उस पर दर्ज हुई।